हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम ग्रुप थ्योरी के कुछ बेसिक टर्म और कंडीशन के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ग्रुप है जो कि ग्रुप जी, और इसके साथ जो ऑपरेशन है वो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, तो हम एक ग्रुप लेते हैं, मान लीजिए ये हमारा सर्कल हो गया, ग्रुप हो गया, और इसी के अंदर मान लीजिए कोई दो एलिमेंट हमें मिल जाएगा, एक ए और ये बी। और ये ए और बी जो है, अगर ये इस ग्रुप का एलिमेंट है तो यहाँ पे ए ऑपरेशन बी जो है ये भी इसी ग्रुप का एलिमेंट होगा। तो ग्रुप होने के लिए हमें चार कंडीशन को फुलफिल करना रहता है। तो पहले आइए एक एक करके जानते हैं। जो पहला कंडीशन है हमारा, वो कंडीशन है क्लोजर लॉ का। क्लोजर लॉ, ठीक है। जो हमारा दूसरा कंडीशन है वो है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ। जो तीसरा कंडीशन है हमारा, वो हमारा है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। और जो हमारा चौथा कंडीशन है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है। अब इसकी कंडीशन क्या है, अगर ये चार कंडीशन को फुलफिल करता है, ठीक है, तो इसको हम ग्रुप कहेंगे। तो आइए एक एक कंडीशन को हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो क्लोजर लॉ ऑफ कब सेटिस्फाई होता है, जब हम कोई दो एलिमेंट ले लेते हैं इस ग्रुप का, जैसे कि ए कोमा बी और ये बिलोंग्स टू जी, यानी कि ए और बी जो एलिमेंट है वो हमारा जी से बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है ना। तो विच इम्प्लाई, ये अगर ए और इसके साथ ये ऑपरेशन लगाते हैं, हमारा जो भी बाइनरी ऑपरेशन है बी, और ये भी अगर जी से बिलोंग्स कर रहा है, इट मीन्स ये जो हमारा क्लोजर लॉ है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी के लिए, तो ये क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई कर देता है। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, कि अगर हम कोई एक और एलिमेंट यहाँ पे मान लेते हैं, एलिमेंट सी, ठीक है, तो हम अगर ए ऑपरेशन बी लेते हैं और फिर ऑपरेशन सी लेते हैं, तो ये बराबर होता है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू जी, देन जो हमारा एसोसिएटिव लॉ होता है ना वो सेटिस्फाई हो जाता है। अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है, तो मान लेते हैं हमारा एक और एलिमेंट है यहाँ पे ई, तो इसके लिए क्या करेंगे, मान लेते हैं लेट ई बिलोंग्स टू जी, ई जो है वो जी का एलिमेंट है, सच डैट कुछ इस प्रकार से, जैसे ई ऑपरेशन ए इज इक्वल टू ए ऑपरेशन ई इज इक्वल टू जो हमें मिलेगा वो ए मिलेगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। तो अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इट मीन्स ये जो हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है वो सेटिस्फाई हो गया। अब है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो जैसा कि मान लीजिए ये ग्रुप में जो हमारा ए एलिमेंट है ये इस ग्रुप का एलिमेंट था, और यहीं पे हमारा एक और एलिमेंट मिल रहा है ए इनवर्स, ठीक है। तो अब इसके लिए कैसे दिखाएंगे, तो यहाँ पर देखिए फोर फोर ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी सच डैट सच डैट, तो ये हो जाएगा ए इनवर्स ए इज इक्वल टू ए ए इनवर्स इज इक्वल टू ई फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, ठीक है। यहाँ पे हमने ऑलरेडी दिखा दिया है कि ए इनवर्स जो है वो जी से बिलोंग्स कर रहा है, और यहाँ पे ए बिलोंग्स टू जी। तो अगर ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो ये हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हो जाता है। तो जब ये चार कंडीशन को फुलफिल करता है ना, तो हम किसी भी एलिमेंट को जो है हम ग्रुप कह देते हैं, ठीक है ना। ये इसकी डिफिनीशन है। अब हम बात करते हैं थोड़े से एबेलियन ग्रुप की। तो ये चार कंडीशन के साथ साथ पांचवा कंडीशन हमारे पास जुड़ जाता है, ठीक है। वो पांचवा कंडीशन क्या है, पहले इसे जानते हैं। तो पांचवा कंडीशन लिखने से पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे एबेलियन ग्रुप। एबेलियन ग्रुप, ठीक है। एबेलियन ग्रुप के लिए जो हमारा पांचवा कंडीशन होता है वो कॉम्यूटेटिव का होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉम्यूटेटिव लॉ,
ठीक है। तो कम्यूटेटिव लॉ को फुलफिल कराने के लिए हमें क्या करना होता है, तो हम कोई भी दो एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए ए ऑपरेशन बी और ये बी ऑपरेशन ए, दोनों इक्वल आ जाता है तो ये जो है हमारा कम्यूटेटिव लॉ जो है वो हमारा फुलफिल हो जाता है फॉर सभी ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी के लिए, ठीक है। तो अगर ये पांचवा कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर देता है ना, तो हम इस ग्रुप को अब एबेलियन ग्रुप कह सकते हैं। तो जब अगर आपसे पूछा जाए कि कोई ग्रुप दिया जाए और कहा जाए कि एबेलियन ग्रुप प्रूफ कीजिए, तो ये आपको पांच कंडीशन तक प्रूफ करने हैं। अगर ग्रुप प्रूफ करने के लिए आ रहा है तो आपको चार कंडीशन तक प्रूफ करने हैं। इसके साथ साथ कई बार कंडीशन लग जाता है कि ये नॉट एबेलियन है या नॉन एबेलियन है, तो हम यहाँ पे पांचवें नंबर कंडीशन में लाएंगे और यहाँ ये इज नॉट इक्वल टू आएगा ये। तो जब ये दोनों इक्वल नहीं आएगा, इट मीन्स अगर ए ऑपरेशन बी इज नॉट इक्वल टू बी ऑपरेशन ए, देन इट इज ये नॉन एबेलियन ग्रुप। तो यहाँ पे ये लिखेंगे नॉन एबेलियन ग्रुप, ठीक है। तो ये थी कुछ बेसिक चीज़ें जो कि ग्रुप के बारे में है, आप लोगों को पता होना चाहिए, ये चीज़ें आप लोगों के जुबान पे होना चाहिए। यहाँ पे ग्रुप होने के लिए ये चार कंडीशन याद रख लीजिए, एक हमारा क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, और ये है हमारा एबेलियन ग्रुप। ग्रुप होने के लिए यही चार कंडीशन और एबेलियन ग्रुप होने के लिए हमारा ये पाँचवा कंडीशन जो कि कम्यूटेटिव लॉ का है, और ये अगर फुलफिल नहीं करता है तो ये नॉट एबेलियन ग्रुप या नॉन एबेलियन ग्रुप हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही।